सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजा का स्वागत करता हूँ टेक्निकल टेक्नोलॉजी की फ्रेश वीडियो में और लेके आया आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आ रहा है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस की यहाँ पर प्री बुकिंग ऑन हो चुकी है चाइना की एक वेबसाइट पे, और वहाँ पर से अभी तक अगर हम बात करें मेंबर्स की कितनी उन्होंने मेंबरशिप ली है दोस्तों, वहाँ पे से अभी तक वन प्लस फाइव के 11,303,000 पीपल ने उनकी प्री ऑर्डर कर ली है। और इंडिया में कब आएगा यहाँ पर बताया गया है 20 जून को, तो ऑफिशियल लॉन्च है ये 20 जून को इंडिया में। अब देखते हैं कब क्या होता है। वन प्लस का डिज़ाइन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लीक हुए थे बीच में, हमारी टेक न्यूज़ नहीं आ पाई थी। तो ये था आज का एक पहली टेक न्यूज़। और बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S8। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus यहाँ पर बहुत ही जल्दी रिसीव करेगा एक जून का सिक्योरिटी पैच। और अगर आपके पास है एक सैमसंग गैलेक्सी S8 तो आपको एक बहुत जल्दी मिल जाएगा सैमसंग का सिक्योरिटी पैच के लिए। और बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो कि आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो के जो अप्रैल के सब्सक्राइबर्स थे वो जो उनकी स्पीड है वो भी स्लो हो चुकी है। ट्रायल ने यहाँ पर बताया है उनके डाटाबेस से कि रिलायंस जियो का जो अप्रैल मंथ में जो उनकी ग्रोथ हुई है वो कम हुई है। अब क्योंकि अप्रैल में उनके प्लान्स हो गए थे रुपीस में कन्वर्ट फ्री से, तो बाद में वो सब कस्टमर से बहुत सारे लोगों ने उनकी प्राइम मेंबरशिप ली है और बहुत सारों ने नहीं ली है। और यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से। कुछ अलग ही अजीब सा ये न्यूज़ आई है कि व्हाट्सएप अब काम नहीं करेगा 30 जून से। नोकिया के फ़ोन्स में, ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में और ओएस फ़ोन्स में, तो जून 30 से अगर आपके पास ये है तो आप पूरी एक बैकअप ले लीजिए आपका व्हाट्सएप का। अगर आपका कुछ ऐसा होता है डाटा लीक भी हो सकता है, यहाँ पर अभी कुछ बताया नहीं गया है तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आ रहा है आईफोन 8 के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आईफोन 8 रिसीव करेगा वायरलेस चार्जिंग को और साथ ही साथ वाटरप्रूफ। जो एप्पल के सीईओ है उन्होंने यहाँ पर बताया है ये कंफर्म्स हो गया है, जो आईफोन 8 होगा उसमें ये फीचर ज़रूर आएगा। तो अब देखते हैं आईफोन 8 कब तक आता है, सितंबर में आएगा यहाँ पर बताया जा रहा था, अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आ रहा है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम ने लॉन्च कर दिए उनके कुछ स्मार्ट ऑडियो के प्लेट चिप्स, कुछ चिप्स आती है जो कि अब जो आने वाले उनके 5 न्यू उन्होंने प्लेटफॉर्म्स यूज़ करे हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊँ तो स्मार्ट ऑडियो एक प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट जनरेशन जो कि यहाँ पे क्वालकॉम के DDFA आएंगे उनमें आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। जैसे कि आपके ईयरफोन्स हो, हेडफोन्स हो, उनमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी ऑडियो आएगी। तो देखते हैं अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। और बढ़ते हैं हमारी अगली टेक न्यूज़ की तरफ जो आ रही है Moto G4 Plus को लेकर। Moto G4 Plus अब आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव Amazon पर, जिसकी प्राइस यहाँ पर बताई जा रही है बहुत डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 11,000 रुपये के अंदर अंदर आपको Moto G4 Plus मिल जाएगा। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आपको जाना पड़ेगा Amazon इंडिया के ऊपर, वहाँ पर से जाकर आप इसको ख़रीद सकते हो। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो कि आ रही है सैमसंग की डिजिटल एकेडमी की तरफ से। जो एकेडमी है हैदराबाद में, वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ ट्रेन होंगे, वहाँ पर सैमसंग करेगा कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन और बाद में उनको देगा कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स, और बाद में जो अगर उनमें से जो अच्छे ट्रेनर्स बनेंगे उनको दी जाएगी सैमसंग की अच्छी अच्छी पोस्ट्स। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो आ रही है Moto G Plus की तरफ से, जो बताया जा रहा है कि जिसके अंदर होगी 4000 mAh की बैटरी। और बताया जा रहा है कि उसका लॉन्च इवेंट है इंडिया में मंडे को, अगले हफ्ते मंडे को। और देखते हैं, अब इन्होंने बोला था अब आएगा, अब आ रहा है तो देखते हैं। और अगर
फिलहाल के लिए स्टूडियो में बस इतना। अगर आपको कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कराया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।